kids will know about money. How to save money, how to spend money, how and why to save an emergency fund, and how and where to share money. This way, they will know how to utilize their money in a proper way. तो किड्स मुझे बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा अस्तित्व में कैसे आया? चलो देखते हैं चीनू एंड मीनू की कहानी। तो ये है चीनू एंड मीनू। वो अपनी दादी माँ के घर जा रहे थे जब चीनू और मीनू वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दादा दादी बगीचे में थे। कुछ देर बाद वहाँ पे एक दूध वाला आया। उसने एक बर्तन में दूध डाला तब दादी माँ ने उन्हें कुछ सब्जियाँ दी। चीनू और मीनू जो घर के बाहर फुटबॉल खेल रहे थे बड़े ही उत्सुकता से ऑब्जर्व कर रहे थे। दोनों ने ये देख के सोचा कि दादी माँ ने उस मिल्कमैन को सब्जियाँ क्यों दी होगी। फिर चीनू ने जाके दादी माँ से पूछा, दादी माँ आपने पैसे के बदले मिल्कमैन को सब्जियाँ क्यों दी? इस पर दादी माँ ने कहा, हमारे गांव में एक दूसरे के साथ चीज़ों की लेन देन करना एक बहुत ही आम बात है। देन शी शेयर्ड हर विजडम विद बोथ ऑफ देम। बहुत साल पहले जब कोई पैसा नहीं था तो पहले लोग कुछ खरीद और बेच करना हो तो कैसे करते थे? ये सब स्टार्ट हुआ स्वैपिंग के साथ, मतलब द बार्टर सिस्टम। बच्चों कल्पना कीजिए कि मुंशी नाम का एक गांव है। इस गांव में लोग विभिन्न प्रकार के काम कर रहे थे, जैसे बुनाई, मोची, खेती और सिलाई भी। यह है किसान, किसान एक फार्मर है, और यह है राम, राम एक कॉबलर है। जब भी किसान को चप्पल की ज़रूरत होती है तो वो राम के पास जाता है और चप्पल की जोड़ी खरीद लेता है। उसके बदले में किसान उसे सब्जियों का लेन देन करता है। इसे ही बाटर सिस्टम कहते हैं। बाटर सिस्टम के द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित चीज़ों का लेन देन कर सकता है। लेकिन क्या कोई हमेशा वस्तुओं का लेन देन कर सकता है, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकता है? समझो कि राम को ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत है तो वो किसान से ज़्यादा सब्जियां ले सकता है, पर किसान को हर बार चप्पलों की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए धीरे धीरे बार्टर सिस्टम समाप्त हो गई। हालांकि बार्टर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वस्तुओं की लेन देन बंद होकर पैसों की लेन देन शुरू हो गई। वहां से लोगों ने पैसों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पैसों से हम एक दूसरे को चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं। हम पैसों का इस्तेमाल चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, हमने इस वीडियो से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पैसे अस्तित्व में कैसे आए, और हमने ये भी सीखा कि बार्टर सिस्टम असल में है क्या। अगले वीडियो में हम बार्टर सिस्टम